हाय स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी क्वेरी, बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद ये टोटली न्यू एक वीडियो मैं आपको आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। और ये ऐसे कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क कॉन्सेप्ट हैं जो बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली हम पूछते हैं, तो ये चैप्टर वाइज मैं आपको लेके आ रहा हूँ। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क का इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं नॉर्मली और 1 मार्क का एक थ्योरी है। तो क्या क्या इसमें हम हर साल पूछते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है, लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहले जैसे आपको बताऊं, इसका बेस मैं लेके चल रहा हूं सीबीएसई सैंपल पेपर 2017-18 का एंड द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है जो मोस्टली हम गलती करते हैं कि ऑलवेज मार्क द डेट ऑन व्हिच द बिजनेस हैज स्टार्टेड और द कैपिटल बैलेंसेस आर गिवन। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये डेट को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि व्हेन द बिजनेस हैज एक्चुअली स्टार्टेड। हम सिर्फ ये पढ़ते हैं ओके कि इसमें आईओसी निकालना है, आईओडी निकालना है, एंड देन वी फॉरगेट टू सी द डेट ऑन व्हिच द बिजनेस वाज स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल, अगर जो बिजनेस है स्टार्ट हुआ है 1st of October को और बुक्स क्लोज हुई 31st March को, तो डेफिनेटली कौन कौन सी चीजों पर इस इंफॉर्मेशन का असर पड़ेगा, वो है आईओसी निकालने में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में, इंटरेस्ट ऑन लोन, और सिमिलरली अमाउंट ऑफ सैलरी, ड्रॉइंग और गारंटी। तो ये चीजें हैं जो आपको डेट ऑन विच द बिजनेस हैज स्टार्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज आप ये डेट नहीं देखेंगे तो फिर आपको गलती हो सकती है। तो आप इन आइटम को नोट कर लीजिए कौन कौन सी ऐसी आइटम है जिनमें टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होगा। सो नेक्स्ट, while calculating interest on capital and drawing loan etc, you should focus on the percentage, that is rate given with the word per annum or whether it is given without the word per annum, because it makes a huge difference. अगर आपको per annum given है तो time period consider करना है, and if the per annum is not given, ignore the time period, you have to calculate for the full accounting year. If the percentage is given without the per annum or the term, like irrespective of time period is given, इन दोनों ही केस में आपको number of months और number of days ignore करने हैं, और PRT penalty formula में आपको time लेना है पूरा 1 यानी पूरे साल का। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट एमआरआई का। एमआरआई कॉन्सेप्ट मतलब एम से मैनेजर कमीशन, आर से रेंट पेबल एंड आई से इंटरेस्ट पार्टनर। सो दीज आर अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। जितने भी चार्जेस हैं वो नेट प्रॉफिट में ही से ही माइनस हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो डेबिट साइड पे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना आपको इन तीनों चीजों से। सो दीज चार्जेस आर ईदर डेबिट टू पीएल अकाउंट और डेबिट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, बट आई वुड प्रेफर कि इसको नेट प्रॉफिट से ही माइनस कीजिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग से ना खोलिए। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है। और एमआरआई में भी आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों चीज गिवन हो या तीनों चीज गिवन हो तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले रेंट और इंटरेस्ट माइनस होते हैं, मैनेजर कमीशन सबसे लास्ट में लगेगा, यानी नेट प्रॉफिट में से आप रेंट माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट लोन माइनस कर दीजिए, अब जो बाकी बचा है उस पर आप उसको मैनेजर कमीशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है मैनेजर कमीशन की, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है बिफोर और आफ्टर। अगर लिखा आ जाए कि मैनेजर कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर के अंदर हमारा फॉर्मूला सिंपल रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाय 100, और आफ्टर के अंदर हमारा फॉर्मूला रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100%। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपने नोट करना है। नेक्स्ट, अब बात आती है इंटरेस्ट लोन की। जो इंटरेस्ट लोन फर्म देती है पार्टनर को, वो फर्म का चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, और ये बेसिकली इसको हम नेट प्रॉफिट से पहले ही माइनस कर देंगे, फाइन। लेकिन जो आईओसी है उसको हम चार्ज भी मान सकते हैं या फिर एप्रोप्रिएशन एज पर द एग्रीमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। So this will depend on the nature of information given the partner's deed. However, if deed is absent, it is always treated as appropriation of profit. Next, interest on partner's loan is always credited to partner's loan account. It doesn't come in partner's current account, mein nahi aata, capital account, mein nahi aata. Always it is credited to the partner's loan account. And the second rent is, rent kabhi bhi, agar partner ko pay kar rahe, it is never credited to the partner's capital account. Example 1. ये एग्जांपल है आपके लिए, इस एग्जांपल में आप पूरा समझ पाएंगे जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, एंड दिस विल रियली हेल्प यू टू सॉल्व द फंडामेंटल क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। अभिषेक और बबीता पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल गिवन है, आईओसी 6% पर एनम, बबीता की सैलरी 5000 एनुअल है, और इस साल प्रॉफिट जो है प्रायर चार्जिंग टू आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बबीता सैलरी 25000। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायर चार्जिंग टू आईओसी यानी आईओसी नहीं दिया बट बबीता की सैलरी माइनस हो चुकी है, 25000 पे नेट प्रॉफिट है, और 5% प्रोविजन देना है प्रॉफिट का, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट इज प्रॉफिट, द प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ये है, मैनेजर कमीशन भी देना है हमें, रेंट भी देना है अभिषेक को 3500 का, व्हिच वी हैव टू पे फॉर यूजिंग हिज बिल्डिंग, देन एंड द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस नॉट फॉर द पर्सनल यूज।
So calculate the amount of manager commission. So always remember that net profit 25,000 was after Babita's salary. So aapko pehle salary add karna padega, annual salary 5,000, the profit would be 30,000. Is 30,000 mein se you have to subtract rent 3,500. Uske baad jo bachega, us amount pe 5% manager commission lagana padega. Fine. Make it a point to underline in the question whether partner's capital is fixed or fluctuating. ये बहुत important बात है. आपने देखा है partner's capital fixed है या fluctuating? उसके हिसाब से सारी चीजें change होंगी. अगर वो partner's capital fixed है, तो profit loss appropriation के अंदर सारी item जो partner से related है, that will be posted to partner's current account. Similarly, जब हम opening capital निकालते हैं, तो opening capital निकालते हैं if the capitals are fixed, तो closing capital and withdrawal of capital unless additional capital करेंगे इस case के अंदर. और अगर past adjustment है, तो वहाँ पर सारी adjustment entry current account के through post होगी. Shorted formula for interest on drawing. जैसे आप जानते हैं, there are different types of drawing. अगर ये drawing आपकी monthly drawing है, तो monthly drawing अगर beginning में है, तो n plus 1 by 2, middle में है, तो n by 2, और end में है, तो n minus 1 by 2. और quarterly drawing है, beginning के लिए n plus 3 by 2, middle के लिए n by 2, and end के लिए n minus 3 by 2. और अगर half yearly है, तो n plus 6 by 2 beginning के लिए, middle के लिए n by 2, और end के लिए n minus 6 by 2. और इन सभी में n है number of months, यानी number of months जितने भी withdrawal हुआ है, जितनी बार आपने withdraw किया है, उसमें बोलेंगे हम. Interest on drawing is to also be computed. ये बहुत important है. ये हमने अपनी textbook में दिया था और ये definitely board में भी आया था 2013 के question में कि interest on drawing is also computed on goods withdrawn by the partners for personal use. ये भी आपको ध्यान रखना है. Fine. So ये है example 2. इस example के अंदर एक firm एक बार Mohan is a partner. He draws 5,000 at the end of each quarter for personal use. Besides, due to emergency, he drew 12,000 first November in cash and goods 10,000 on 1st Jan 2017. IOD is to be charged on 12% on regular drawing. This is a new concept. अभी अगर आप देखेंगे तो ये books में नहीं है. हो सकता है board के लिए important point हो कि दो तरह की drawing है. एक drawing पे तो 12% लगाना है जो regular drawing है और जो अलग तरह की drawing है उसपे हमें 18% charge करना है. तो calculate करना IOD. वो quarterly drawing था 5,000 into 4, 20,000. और क्योंकि वो drawings at the end of each quarter हो रहा है, तो time period will be 4.5 by 12, तो 900 is the answer. Next, अगर हम देखें दूसरी drawing जो 12,000 cash की है first November से लेके जो year end है वो 5 months बन रहे हैं और जो first end को लिया है उसने goods withdraw किया उसपे 3 months का है total multiply किया product method और उस product पे 1/12 हम ले लेंगे क्योंकि common time factor है months हम already multiply कर चुके हैं and 12 से divide करना था तो 12 से 9 divide करके 1/12 से multiply कर दिया और IOD is total 50. Next, carefully note that when closing capitals are given, you are required to calculate interest on capital. Then first we have to find the opening capital. और एक चीज ध्यान रखनी है जब आप opening capital निकालते हैं, formula होता है closing capital and drawing minus profit. तो ये ध्यान रखना है, अगर कोई drawing या profit balance sheet के अंदर है, example drawing asset side पे है, या फिर कोई profit save liability side पे है, इसको हम adjust नहीं करते. उसके अलावा एग्जांपल अगर किसी की ड्राइंग एसेट साइड पे है तो ऐड नहीं होगी और सिमिलरली अगर प्रॉफिट लायबिलिटी साइड पे है तो माइनस नहीं होगा. एग्जांपल लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग लेस प्रॉफिट, तो वही ड्राइंग लेंगे जो बैलेंस शीट के बाहर है और वही प्रॉफिट लेंगे जो बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. अगर फर्म ने एग्जांपल 6000 में प्रॉफिट कमाया था और 4000 अभी भी लायबिलिटी साइड पे बचा हुआ है तो सिर्फ 2000 डिफरेंस वही प्रॉफिट माइनस मिलेंगे. एग्जांपल के तौर पे देखते हैं वो जो कैपिटल बैलेंसेस है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है, प्रॉफिट जो है 8000 इज अ प्रॉफिट सेव और ये ड्राइंग है. ये ड्राइंग हम अनीश के कैपिटल में ऐड बैक नहीं करेंगे, इसके अलावा करेंगे अगर कुछ और गिवन होती है. तो ड्यूरिंग द ईयर निशा ड्राइंग में इतना, यानी निशा की ड्राइंग ऐड हो जाएगी और जो प्रॉफिट्स हैं 12000 के, 12 में से 8 फर्म ने सेव करके रखा हुआ है, बाकी 4000 पार्टनर्स में बच चुका है, उसी 4000 को उनके प्रॉफिट रेशियो में बांट के माइनस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल को भी हमें देना पड़ेगा जब से लगाया है और जब साल खत्म हुआ है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल के ऊपर, और ये तभी देंगे जब हमारे डीड में लिखा होगा. ये ध्यान रखना है. देन पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी विल गेट हिज गारंटीड अमाउंट इन केस इवन इफ द फर्म इनकर लॉसेस, यानी या फिर प्रॉफिट कम हो तो भी उसको हम पूरी गारंटी देंगे और जो डेफिशिएंसी होगी वो बाकी के पार्टनर्स या तो किसी स्पेसिफिक रेशियो में बांटेंगे या फिर अपने ओल्ड रेशियो में. सो थैंक यू, ये था हमारा चैप्टर 1 और इसी तरह से हम आगे भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे चैप्टर डिफरेंट चैप्टर्स के लिए कौन से ऐसे फ्रीक्वेंटली कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा होगा. थैंक यू.